यूपी के रायबरेली से समय की बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि लगातार भदोखर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों को नहीं रहा पुलिस का भय। दबंग अरविंद तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के रहने वाले पीड़ित परिवार पर किया जानलेवा हमला। मारपीट में लगभग 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल किया गया रेफर। आपको बता दें कि भदोखर थाना क्षेत्र के पासापुर गांव की बताई जा रही है घटना, जहां दबंग अरविंद तिवारी ने अपने साथियों के साथ पीड़ित परिवार पर मिलकर जानलेवा किया है। वहीं हालत गंभीर होने पर सीएचसी से जिला अस्पताल उनको रेफर किया गया है, जिनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आइए सुनते हैं महिला की जुबानी। क्या हुआ आपको जो आई यहाँ पे? सर, मारपीट हुई है। कौन मारा है? अरविंद तिवारी। कौन है ये? सर, हमारे मतलब बगल के। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग हमको लेके। तो क्या किस प्रवृत्ति के आदमी है ये? सर, ये मतलब बहुत लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपराधी टाइप के आदमी, लूटपाट भी करते हैं, मारते पीटते गाड़ी जाते हैं भर के, एक मतलब 10-15 लोग को लेके, और उनको लेके मारपीट करने लगते हैं, घर में घुस के मारा है। तो क्या इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं? जी हैं। अच्छा, आप शिकायत के लिए भी गांव में? सर, हमसे कोई बात नहीं हुई है। 15-20 दिन पहले उनके मतलब बहन भाई से झगड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, तो उसी को लेके गाली गलौज हुई थी। उसी को लेके मतलब ये अपने आप को दादा समझते हैं, तो उसी लिए मतलब लेके आए मतलब 10-15-20 आदमी और घर में घुस के मारे। मेरे हस्बैंड लोग कल दिल्ली जाने वाले थे सब। क्या आपसे भी मारपीट की? जी, हमको 2-3-4 लात मतलब मारे थे। हम छुड़ाने गए थे और मैं छोटा सा बच्चा था, उसको गाड़ी भर लेके जा रहे थे। सुना आपने महिला की जुबानी। महिला ने दबंग अरविंद तिवारी पर आरोप लगाया और बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति का है दबंग अरविंद तिवारी। वहीं परिजनों ने आरोपी दबंग अरविंद तिवारी पर लगाए गंभीर आरोप। दबंगों के आगे नतमस्तक दिख रही है खाकी। वहीं आइए जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। 4 केस पेशेंट रेफर किया गया था, जो 108 एम्बुलेंस लगाया गया। बाकी एग्जामिन करने पर किसी ने 3 लोगों को सर में चोट लगी थी, एक को हाथ में चोट लगा था। 4 में से एक महिला है, बाकी 3 पुरुष है। महिला का नाम है अर्चना और बाकी एक का नाम है पंकज, दूसरे का नाम अमरेश, तीसरे का नाम है ललन। बाकी 3-2 लोगों को सर में चोटें लगी हैं। अटेंडेंट से पता करने में पता चला कि मारपीट का केस हुआ, जिसकी वजह से 4 घायल हुए हैं। बाकी 4 को भर्ती कर दिया गया, इलाज चालू है।